बरसात का मौसम बहुत ही सुहाना होता है और खास तौर पर जब गर्मी तपती गर्मी के बाद में ये बारिश का मौसम आता है तो बहुत सुहाना और बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर वेदर जो होता है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, पर ये जो बारिश का मौसम है अपने साथ में बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता देता है, जैसे कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या सर्दी जुकाम खांसी जैसी प्रॉब्लम होना। पर इन सबसे भी बहुत आसानी से बचा जा सकता है। हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे अवेलेबल होते हैं जिसको अपना करके आप अपने इन सारी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुट्टी पा सकते हैं। फिर चाहे वो आपका सर्दी जुकाम हो या आपका बुखार हो या आप लोग के पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारे घरेलू नुस्खों को जानेंगे जिससे कि आप अपने पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से पीछे छोड़ देंगे और इस बारिश का मजा भी ले पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, बरसात का मौसम अपने साथ सुहाना मौसम तो लाता है पर साथ ही में बैक्टीरिया को भी लेकर आता है। ये बैक्टीरिया सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि बारिश के मौसम में काफी ज्यादा नमी होती है और ये नमी बैक्टीरिया को पैदा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और ये जो नमी होती है ये घर में इतनी चिपचिपाहट ला देती है कि इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये खतरा सबसे ज्यादा बच्चों को होता है और उसके बाद वो बड़े लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक होती है। पर आज इस वीडियो में आप लोग के लिए ऐसे सिंपल से घरेलू नुस्खे होम रेमेडीज लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपने बरसात में होने वाले इन्फेक्शन को, बुखार को, सर्दी जुकाम को और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी देरी के। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे घरेलू नुस्खे बरसात में आपको होने वाले इन्फेक्शन से बहुत जल्द बचाएंगे और साथ ही में आपकी इम्यूनिटी को भी बेहद स्ट्रांग करेंगे ताकि अगली बार आप बरसात में बीमार। होम रेमेडीज में जो पहला नंबर आता है वो है शहद का। शहद खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो गले की खराश को कम करती हैं। अगर आप बारिश के मौसम में सूखी खांसी से परेशान हैं तो शहद के लिए आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसलिए आप गर्म पानी में शहद को मिक्स कर सकते हैं, एक चम्मच शहद को, और फिर से धीरे धीरे पिएं। एक्चुअली इस शहद की तासीर गर्म होती है जो कि आपके शरीर को अंदर से गर्म करती है ताकि आपको जो कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और अगर घर के बच्चों को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो उन्हें बिना पानी के आप एक चम्मच शहद को चटा सकते हैं। ये आपके बच्चों को सर्दी जुकाम से बेहद जल्द आराम दिलाएगा। दूसरा है लहसुन। लहसुन में एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे ये खांसी के इलाज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप रोजाना लहसुन खाते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा रोज़ लहसुन खाने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। पर अब आप कहेंगे कि मैं तो रोज़ लहसुन खाती हूँ, किस में खाते हैं? सब्जी में। पर क्या आप जानते हैं अगर आप रोज़ सुबह 2 कली कच्चा लहसुन खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। इसलिए रोज़ सुबह उठ करके गर्म पानी पीने के बाद में आप लोग 2 लहसुन की कली को ज़रूर खाएं। ये बारिश में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके बैक्टीरियाज को भी किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते तो आप उसे फाइन चॉप करके या कस करके भी आप उसे खा सकते हैं, उसका पेस्ट बना करके भी एक चम्मच खा सकते हैं। आपकी चॉइस है आप उसे कैसे खाना चाहते हैं, पर कच्चे लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बच्चों के लिए आप बहुत सिंपल कर सकते हैं, हल्का सा पेस्ट बना करके उससे उन्हें चटा सकते हैं ताकि उनकी भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि खांसी को, जुकाम को और बुखार को कम करने में बेहद फायदेमंद होते हैं। ये गले की खराश को कम करता है। इसके लिए आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं या अदरक को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या अदरक को कस करके उसके जूस को निकाल करके एक चम्मच अदरक का जूस ले सकते हैं। अदरक का जूस आपको काफ़ी ज़्यादा कर्चीला लगेगा। इसके लिए आप लोग तुलसी की पत्ती को पानी में भिगा करके उसके जूस को निकाल सकते हैं और एक चम्मच तुलसी का जूस और एक चम्मच अदरक का जूस दोनों मिक्स करके ले सकते हैं। इससे अदरक का जो कर्चपन होता है वो दूर हो जाता है। या आप लोग एक दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, एक चम्मच अदरक के जूस में आप आधा चम्मच शहद को मिक्स करके भी चाट सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे अक्सर कड़वी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग एक चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिक्स करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये उनके सर्दी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा आराम देगा और इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करेगा ही। साथ ही में अगर आप अदरक को चाय के फॉर्म में ले रहे हैं तो अदरक चाय
तो चाय में आप अदरक को काफ़ी ज़्यादा डालिए ताकि उसमें कड़कपन आ सके। नेक्स्ट है आप लोगों का हल्दी। हल्दी में औषधि गुण बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए तो आप लोग फेस वॉश भी यूज़ करते हैं तो टर्मरिक वाला, और फेस पैक भी लगाते हैं तो भी टर्मरिक वाला। तो आप तो समझ रहे होंगे कि आपकी स्किन के लिए ये हल्दी कितना फ़ायदेमंद होता है, और ये हल्दी आपके शरीर की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल रहता है। इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ ही में एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि मानसून में सूखी खांसी, कफ, कोल्ड इन सब से राहत दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि ये हल्दी जो होती है इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे कि आपकी बॉडी को ये अंदर से गर्माहट प्रदान करती है, जिससे कि आपका जो जुकाम की प्रॉब्लम होती है, सर्दी की प्रॉब्लम होती है, वो दूर हो जाती है। और साथ ही में ये हल्दी आपके पीने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम आप कर सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप हल्के से गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके पी सकते हैं, या आप लोग चाहें तो दूध में, गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके पी सकते हैं। पर जो चम्मच होना चाहिए काफ़ी छोटा होना चाहिए, या अगर बात करें तो 3 से 4 चुटकी आपको हल्दी का यूज़ करना है। नेक्स्ट है तुलसी। ये तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आजकल फैल रहे बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसके लिए आप लोग तुलसी को च्यू कर सकते हैं, या आप लोग चाय में यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग तुलसी को 1 गिलास पानी में भिगो करके रात में रख सकते हैं और सुबह उठ करके इस पानी को पी सकते हैं। नेक्स्ट है नमक के पानी से गरारा करें। नमक में एंटी बैक्टीरियल गुण और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, जो बलगम को साफ करने या कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और साथ ही में जो आपके माउथ में बैक्टीरिया है उसको किल करने में हेल्पफुल रहता है। जिन लोगों को सूखी खांसी की परेशानी होती है उनके लिए नमक के पानी से गरारा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके लिए गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालें और इससे गरारा करें। ये आपकी सूखी खांसी को, बलगम को, कफ को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आप लोग का लास्ट है स्टीम लें। अगर आप खांसी और बंद नाक से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो स्टीम ज़रूर लें। ये आपको कोल्ड से राहत दिलाने में बहुत हेल्प करता है। इसके लिए एक पैन में पानी को बहुत अच्छे से ढक करके बॉयल करें। इस पानी को किसी दूसरे बाउल में रख करके इसमें 2 से 3 बूंदें पिपरमिंट की ऑयल की डाल दें। फिर इसे सिर पर तौलिया रख करके कटोरे में ऊपर कम से कम 10 मिनट तक झुकें। आप रुक रुक कर झुकिए, एक बार में नहीं, 1 मिनट की स्टीम लीजिए या 2 मिनट की, फिर इसके बाद रुकिए, फिर 2 मिनट की स्टीम लीजिए। इस तरह से स्टीम लेने पर आपकी जो ब्लॉक्ड नोज़ होती है वो ओपन हो जाती है, जो कफ कफ या बलगम की प्रॉब्लम होती है वो भी उससे आप बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजिली अवेलेबल रहता है। आपकी चॉइस है आप इन दोनों में से क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये वो सिंपल सिंपल से घरेलू नुस्खे हैं जिनको अपना करके आप अपने बरसात में होने वाले इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं, सर्दी जुकाम से दूर रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि अगली बार कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आप पर अटैक ना कर सके। तो मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।